हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक हेल्दी दाल की रेसिपी कैसे बना सकते हैं। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए। इस हेल्दी दाल को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तूर दाल यानी अरहर दाल ले ली और उसको सोक कर लिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स काटे, जैसे जिंजर गार्लिक, अनियंस, टमेटोज, ब्रिंजल, कैरेट और पम्पकिन। आप चाहें तो और वेजिटेबल्स भी काट सकते हैं, बट यूजुअली क्योंकि ये पारसी रेसिपी है तो मोस्टली यही चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स चलती हैं। इसके बाद मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें जो मैंने दाल भिगोई हुई थी उसको ले लिया। उसके बाद इसमें जो मैंने वेजिटेबल्स काटी थी, जिसमें से मैंने पम्पकिन, कैरेट और बैंगन, ये तीनों इस दाल के साथ मिला लिए। मिलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ऑलमोस्ट एक ग्लास के आसपास। और पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें नमक और धनसक मसाला डाला। अगर आप जानना चाहते हैं धनसक मसाले में क्या क्या आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड किया और इस कुकर को, प्रेशर कुकर को बंद करके इस दाल को बॉयल कर लिया। आप चाहें तो इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं, मेरा पर्सनल चॉइस था, मैंने मिर्ची ऐड नहीं की। आइए अब इस दाल धनसक का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और चॉप्ड अदरक लहसुन ऐड करके इसमें जो चॉप्ड अनियंस और टमेटोज थे उसको ऐड किया। इसके बाद इसको मैंने थोड़ी देर भुनने दिया। भुनने के बाद थोड़ा नमक डाला जिससे कि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। ट्रस्ट मी गाइस, ये रेसिपी इतनी टेस्टी और न्यूट्रिशियस बन के आएगी। इसमें वेजिटेबल्स भी हैं और दाल का कॉम्बिनेशन भी है, आपको सब्जी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैंने दाल को, जो मैंने वेजिटेबल्स के साथ बॉईल की थी, इस तड़के में मिला दिया और दाल को अच्छे से पकने दिया। जैसे ही ये दाल पक गई, ये दाल रेडी है सर्व करने के लिए। गाइज, अगर आप ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ और चाहते हैं जाना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए कि क्या आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे घर पे। सो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और टेस्टी दाल धनसक रेडी है। आप इसको चावल, रोटी या सिर्फ सैलड के साथ भी खा सकते हैं।